ऑडियो जंगल। हेलो एवरीवन, मैं मायरा शेख। आज हम बनाने जा रहे हैं दही बल्ले। सो यहाँ पर मैंने 1 कप सफ़ेद उड़द की दाल लिया है, उसे 3 से 4 बार वॉश कर लिया और उसे 5 घंटों के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। भिगा कर हमें रख देना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 घंटों के लिए जो है भिगा कर रख दिया था। सो ये साइज़ में डबल हो जाते हैं और इसका पानी हम निकाल लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में हमें सबसे पहले जो वड़े हैं, दही वड़े, वड़े बनाने के लिए हमें इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इसमें पानी 1 से 2 टेबलस्पून ही डालना है, बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इतना थिक बैटर ये होना चाहिए। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। दही वड़ों की बात, ये खास बात है कि इसे वड़ों को आप फ्राई करके, फ्रीज करके रख सकते हैं 20 to 25 days के लिए अपने फ्रीज़र में। यहाँ पर मैंने 1/4 teaspoon डाला है बेकिंग सोडा, ब्लू बर्ड ब्रांड का है, कंपनी का, आप कोई दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे 1/4 teaspoon 1 कप उड़द दाल के लिए लिया है। आप एक विस्कर की मदद से भी इसे विस्क कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक बीटर का इस्तेमाल किया है। ऐसे हमें लो स्पीड पर ही चलाना है, इसमें एक फ्लफी सा टेक्सचर आना चाहिए। देखिए बैटर ऑलरेडी थिक है और इसमें जब हम बेकिंग सोडा ऐड करके इसे जब बीटर अच्छे से 4-5 मिनट के लिए घुमाएंगे तो अच्छा सा फ्लफी टेक्सचर हो जाएगा। और एक स्पून की मदद से हम देख लेंगे हमारा बैटर तैयार है या नहीं। तो एक बाटी में मैंने 1/2 कप पानी डाल दिया है और यहाँ पर हम छोटा सा स्पून से थोड़ा सा बैटर उसमें डालेंगे। सो जो बैटर है ना, ये फ्लोटी होना चाहिए, मतलब पानी में तैरना चाहिए। तो हमारा बैटर जो है रेडी है। और अगर ये नीचे बैठ जाता है तो कुछ देर के लिए आप इसे और बीट कर लें बैटर को। सो इसमें अभी हमने वड़ों में नमक अभी नहीं ऐड किया है। जब भी हम इसे ड्रेसिंग करेंगे उस वक्त हम दही में नमक ऐड कर देंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाता है। सो यहाँ पर अभी गरम तेल में, एक कढ़ाई में गरम ऑयल हो चुका है और इसमें मैं स्पून की मदद से, ये देखिए कैसे मैं इसमें डाल रही हूँ वड़ों को। वड़ों को जो है अलट पलट करते रहना है और इसे मीडियम फ्लेम पर चलाना है ताकि वड़ों अंदर से भी पक जाए और बाहर से अच्छा क्रिस्पी टेक्सचर आ जाए। रमज़ान के महीने में ज़्यादातर मैं ये स्पेशल डिश बनाती हूँ ताकि बनाकर हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम इसे फ्रीज करके भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में। सो यहाँ पर देखिए अच्छा गोल्डन ब्राउन हमारा ये वड़ा बाहर से दिख रहा है और ये वड़े तैयार हो गए हैं। तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर की मदद से। सो कुल मिलाकर यहाँ पर 1 कप उड़द दाल से यहाँ पर 43 बॉल्स तैयार हो गए थे। ये देखिए बहुत अच्छा क्रिस्पी हो गया था बाहर से और इसे आप फ्रीज करके भी रख सकते हैं या इंस्टेंटली अगर आपको कोई फंक्शन हो घर में या स्नैक्स के तौर पर आप बना सकते हैं। सो मैं अभी इतना तो नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर 5 या 6 वड़ों का बना कर दिखाऊँगी आपको। सो दही के लिए हम गाढ़ा दही लेंगे या फिर हंग्ड दही। सो यहाँ पर मैं 5 to 6 टेबलस्पून दही ले रही हूँ। उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप पानी,
ये गर्म नहीं है, बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे पानी है। एंड यहाँ पर मैं अभी ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून नमक, आप आपके स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से इसे फेंट लेना है और स्मूथ टेक्सचर हो जाना चाहिए दही का। यहाँ पर मैंने पानी को जो है गुनगुना कर लिया है, थोड़ा सा गर्म कर लिया था, और वड़ों को सॉफ्ट करने के लिए अभी मैं गुनगुने पानी में ही वड़ों को डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 5 वड़े लिए हैं, 2 मिनट बाद, ज़्यादा नहीं रखना है, सिर्फ 2 मिनट में ही आपको इन वड़ों को स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। यहाँ पर मैं एक चम्मच के मदद से स्क्वीज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे दोनों हाथों की मदद से कर सकते हैं स्क्वीज़। और एक प्लेट में हम निकाल लेंगे या बोल में हम सजावट के लिए निकाल लेंगे, जिसमें भी हम सर्व कर रहे हों। यहाँ पर मैंने 5 वड़े जो है स्क्वीज़ करके निकाल लिया, ये देखिए कैसे सॉफ्ट सॉफ्ट से बने थे। और यहाँ पर मैंने एक बॉल में निकाल लिया। अभी हम ऐड करेंगे दही। दही इतना होना चाहिए कि सारे वड़े उसमें डूब जाने चाहिए, पूरी तरीके से कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप आपके मनपसंद ग्रीन चटनी ऐड करिएगा। ग्रीन चटनी का जो रेसिपी है मैं आई बटन पे यहाँ पर दे दूँगी या एंड ऑफ द स्क्रीन आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे खट्टा मीठा इमली चटनी। जितना मर्ज़ी चाहे आप डालिए, मैं यहाँ पर दो टेबलस्पून यहाँ पर जो है चटनी ऐड कर रही हूँ। 2 से 3 पिंचेस हम ऐड करेंगे चाट मसाला। आप इस पे रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या अनार के दाने आप ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आधा वड़ा मैंने यहाँ पर कट कर लिया और देखिए कितना लाजवाब दिख रहा था और खाने में भी लाजवाब था। तो हमारे दही भल्ले या दही वड़े तैयार हो चुका है। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।